तो क्या हाल चाल भाई लोग, कैसे हो आप लोग। और आज इस वीडियो के अंदर हम सब बेसिकली एक स्पेशल फ़ोन के बारे में बातें करने वाले हैं, क्योंकि जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो, अभी कुछ टाइम पहले ही चाइना के अंदर लॉन्च किया गया है। वैसे यहाँ पे मैं बातें कर रहा हूँ ओप्पो A72 5G के बारे में। अब आपको मालूम होगा कि ओप्पो A72 काफ़ी टाइम पहले इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम सब बातें करने वाले हैं, नाम से जाहिर है, इस फ़ोन के 5G वेरियंट के बारे में। अब देखो, नो डाउट फ़ोन तो अच्छा है ही, और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ इस बारे में तो आपको इस वीडियो के अंदर आगे मालूम चलने ही वाला है, लेकिन इस कि यहाँ पे काफी ज्यादा चांसेस हैं कि इस फोन को ओप्पो वाले इंडिया के अंदर भी काफी जल्द लॉन्च कर दें। तो हाँ भाई देखो, अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो इस फोन के बारे में जानने के लिए तो इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखते रहना, और स्टार्ट करते हैं फिर बिना कोई बकवास की जल्दी से इस वीडियो को। मैं हूँ ऋषभ और आप लोग देख रहे हो ऋषभ टैग। तो भाई हमेशा की तरह इस फोन के बारे में कुछ भी कहने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को इस फोन की प्राइसिंग के बारे में बताना चाहूंगा। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अभी कुछ टाइम पहले ये फोन चाइना के अंदर लॉन्च किया गया है, और जहां तक बातें आती है इस फोन की चाइना में प्राइसिंग की, तो अगर कन्वर्ट करूँ इंडियन करेंसी में तो ये होते हैं लगभग 18,000 रुपये। लेकिन भाई साहब, मुझे नहीं लगता इस प्राइस पॉइंट पर ओप्पो वाले इस फोन को इंडिया के अंदर लॉन्च भी करने वाले हैं, और ऐसा इसलिए भी क्योंकि आपको भी मालूम होगा कि अभी कुछ टाइम पहले GST में हाइक हुई है। तो हाँ भाई देखो, उस हिसाब से अगर ओप्पो वाले इस फोन को इंडिया के अंदर लॉन्च करते भी हैं तो मेरे समझ से इस फोन की प्राइसिंग कम से कम 21,000 रुपये तो होनी चाहिए। अगर इससे कम पे ओप्पो वाले इस फोन को इंडिया के अंदर लॉन्च करते हैं तो अगेन अच्छी बात होगी। लेकिन अब बातें कर लेते हैं इस फोन के साथ आपको क्या सारी खास बातें देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले मैं बातें करना चाहता हूँ इस फोन के साथ मिलने वाली डिजाइन के बारे में। अब देखो भाई, सच बताओ तो मुझे नहीं पता कि इस फोन के बिल्ड में यहाँ पे ग्लास का यूज किया गया है या फिर पॉलीकार्बोनेट का यूज किया गया है। और हाँ भाई, एक और जो काफी कमाल की बात है इस फोन के साथ वो ये है कि ये फोन आपको सिर्फ 8 mm ही पतला देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ ये फोन ज्यादा भारी भी नहीं है, मतलब 185 ग्राम की इस फोन की वेट है। और इसके ऊपर से यहाँ पे आपको काफी कमाल के दिखने वाले ग्रेडिएंट कलर ऑप्शंस का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा इन फोन्स के साथ। तो अगेन फोन कुल मिला के इन हैंड फीलिंग और डिजाइन के मामले में काफी कमाल के नजर आ रहे हैं। तो हाँ भाई देखो, कुल मिला के फोन दिखने के मामले में यहाँ पे काफी ज्यादा सेक्सी नजर आ रहा है। लेकिन अब जहां तक बातें आती है इस फोन की परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पे भी इस फोन के साथ आपको एक काफी कमाल की चीज देखने को मिल जाती है। और हाँ दोस्त, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये ओप्पो A72 का 5G वेरियंट है, और इसलिए जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो, ओप्पो वालों ने यहाँ पे इस फोन के साथ यूज किया है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 720 5G SoC। हालांकि परफॉर्मेंस के मामले में इस SoC के बारे में मैं आपको ज्यादा इन डेप्थ में नहीं बताने वाला, लेकिन फिर भी जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने इन बेंचमार्क्स को देख पा रहे हो, जिससे ऑफकोर्स आप लोगों को ये बात मालूम चल जाएगी कि यहाँ पे जो परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा वो, हाँ दोस्त, यहाँ पे आपको काफी कुछ कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 765G के लेवल की देखने को मिल जाएगी। तो अगेन भाई, ये भी यहाँ पे काफी कमाल की चीज है। अब जहां तक बात आती है इस फोन के साथ मिलने वाली स्टोरेज की, तो हाँ दोस्त, आपको बताना चाहूंगा कि इस फोन के साथ आपको मैक्स 8GB की LPDDR4X वाली मेमोरी का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगेन यहाँ पे आपको UFS 2.1 वाली स्टोरेज का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। तो कुल मिला के भाई, परफॉर्मेंस के मामले में मुझे नहीं लगता 20-22 हज़ार रुपये में यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत होने वाली है इस फोन के साथ। लेकिन अब जहाँ तक बात आती है इस फोन के कैमरास के बारे में, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ इस फोन के साथ, क्योंकि अगेन जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, सबसे पहले बैक साइड पे तो यहाँ पे आपको सिर्फ 3 ही कैमरा देखने को मिलते हैं, और वो भी जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको कोई भी 48 या फिर 64 मेगापिक्सल वाला प्राइमरी शूटर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सिर्फ एक 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी शूटर, जहाँ पे ऑफकोर्स आपको एक डेडिकेटेड 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस और ऑफकोर्स एक 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम लेंस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिससे मुझे नहीं लगता आप लोगों को कुछ ज्यादा एडवांटेज भी देखने को मिलने वाला है, खासकर कैमरास के मामले में। अब देखो, कैमरास के बारे में कैमरा की क्वालिटी कैसी होने वाली है जिस बारे में मैं आपको अभी से नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि हाँ भाई, उसके लिए आपको चेक करना होता है कि फोन इन रियल लाइफ कितने अच्छे खासे इमेज प्रोड्यूस कर रहा है। तो हाँ देखो, इस बारे में यहाँ पे मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन अगेन ऑन पेपर थोड़ा सा हल्का लग रहा मुझे ये फोन। खैर, अब जो भी दोस्त, आगे बढ़ते हैं और अब बातें कर लेते हैं इस फोन के बैटरी की डिपार्टमेंट की। तो जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक 4000 mAh की बैटरी का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अच्छी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको एक 18 W का फास्ट चार्जर फोन के बॉक्स के साथ देखने को मिल जाता है, तो अगेन ये भी काफी अच्छी चीज है। और वैसे हाँ भाई, डिस्प्ले के बारे में तो मैंने आप लोगों को बताया नहीं इस वीडियो के अंदर, तो आपको बताना चाहूंगा ओप्पो A72 5G के साथ बेसिकली आपको एक 6.5 इंचेस की फुल HD रेजोल्यूशन वाली IPS LCD स्क्रीन का सपोर्ट देखने को मिलता है। अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आपको एक पंच होल कैमरा कटआउट फोन के साइड की तरफ देखने को मिल जाएगा, और इसके ऊपर से भी अच्छी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको 90 Hz की रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो हाँ भाई देखो, ये भी एक काफी कमाल
कमाल की चीज़ है। और हाँ भाई देखो, ये तो थी अभी तक की कहानी ओप्पो के इस A72 5G स्मार्टफोन की। अब वैसे अब यहाँ पे आपके क्या थॉट्स हैं, आपके क्या ख्याल है इस फोन के बारे में, भाई सारी चीज़ें आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। और बाकी तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो मेरे भाई एक लाइक चिपकाओ इस वीडियो पे, चैनल को कर देना सब्सक्राइब उस लाल वाले बटन को दबा के, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि उसके बगैर आपको काफ़ी अच्छी तरीके से मालूम है यूट्यूब वाले मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको भेजेंगे नहीं, तो मेक श्योर आप लोग वो चीज़ भी कर लेना। और चलो फिर मैं मिलता आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए।